बाबूजी, मैं विशाखा। यहाँ क्यों आई? मैं अपनी बहन की शादी में आई हूँ, उसकी खुशियों में शामिल होने आई। मेरी बेटी राधिका की कोई बहन नहीं। आपका मेरी बेटी से अथवा इस परिवार से कोई संबंध नहीं। अतएव किस अधिकार से आप विवाह समारोह में सम्मिलित होने आई? आपने सुना मैंने क्या कहा? अपना सामान उठाकर चले जाइए मेरे आंगन से दूर। अल्लाह, क्या कह रहा है? तुको तो खुश होवे का चाहिए कि बिटिया घर आई है। मेरी एक ही पुत्री है जिसका विवाह हो रहा है, एवं इस शुभ कार्य में मैं किसी भी प्रकार का विघ्न स्वीकार नहीं करूं। बाबूजी, आप मुझे विघ्न क्यों समझ रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं विवाह की भेंट के रूप में जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे बिना संकोच के दे देंगे। आपने वचन दिया था ना बाबूजी? तो मैं अपने विवाह की भेंट के रूप में अपनी बहन को मांगती हूँ बाबूजी। मैं चाहती हूँ मुझे मेरी बहन डोली में विदा करे। मेरी शादी में विशाखा भी सम्मिलित हो बाबूजी। आप अपना वचन पूरा करेंगे ना बाबूजी? बोलिए ना। आज तक आपने बिना मांगे मुझे बहुत सारी खुशियां दी हैं बाबूजी। आज मैं अपनी खुशी अपनी बहन के रूप में मांग रही हूँ, आप मुझे देंगे ना? बोलिए ना बाबूजी, आप मुझे निराश तो नहीं करेंगे ना? अतिथि का सामान भीतर ले जाए। सामान अंदर ले लो, जल्दी से ले आओ। सामान भी कमरे में रख देना। ठीक है, चल। विशाखा जी, बेटा ये काम तो तुम खुद कर सकती हो ना? क्यों, और राधिका क्यों नहीं कर सकती? राधिका तू रखेगी ना मेरा सामान? हाँ बिल्कुल, चल ना। हम अभी आवते हैं। हाँ बहुरिया, मैं लेता हूं। जी राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे माँ जी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आज शाम को हम वृंदावन आ रहे हैं। राधिका के लिए कुछ कपड़े सिलवाए थे तो बस वही उसे पहनवा के देखने हैं। सोचा इसी बहाने छोटी बहू से ही मिल लेंगे। क्या हुआ शास्त्री जी, कोई परेशानी? नहीं माँ जी, मैं ये विचार कर रहा था कि आप
इतना कष्ट क्यों बहन कर रही है? कष्ट? कैसा कष्ट? माँ जी, अब वहां भी तो विवाह कार्यों की व्यवस्था हो रही होगी। कितने ही कार्य होंगे, तो उचित यही रहेगा कि आप किसी के हाथ वस्त्र भिजवा दीजिए। राधिका उन्हें पहनकर देख लेगी और फिर हाथों हाथ भिजवा भी देगी। ठीक है शास्त्री जी, जैसा आप कहें। रखती हूँ फोन। राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ जी, कौन था फोन पर? देव बाबू की दादी माँ। क्या दूध पिया? अरे माँ दूध वूध छोड़ो, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये साड़ी लेकर आई हूँ मैं। आपने आज तक असली जरी नहीं पहनी ना, पर मेरी बहन की शादी में आप जरी वाली साड़ी जरूर पहनेंगी। ये लीजिए। और अरे बाबूजी के लिए लाई हूँ, बहुत सुंदर है। ओहो, अब आप लोगों का चेहरा क्यों उतर गया? अरे वो मुझसे नहीं लेंगे तो ना सही, पर ये जैकेट ना आप ही दे दीजिएगा माँ ने। और दादी के लिए भी कुछ लाई हूँ मैं। ये देखो मीना शॉल लाई हूँ मैं दादी को दिखा कर आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ माँ? बिटिया, तेरे बाबूजी चाहते हैं कि विशाखा पुरोहित परिवार के सामने ना आए, उन्हें अपना मुंह ना दिखाए। आज वो लोग यहाँ आने वाले थे, पर तेरे बाबूजी ने किसी तरह से टाल दिया। आगे जब भी वो लोग आएंगे और विशाखा को यहाँ देखेंगे तो 100 तरह के सवाल पूछेंगे राधिका, और उन सवालों के जवाब तो किसी के भी पास नहीं है ना, किसी के पास नहीं। माँ जी, शुभ कार्य तो सर्वथा सिद्ध मुहूर्तों में ही किए जाते हैं। जो सर्वार्थ सिद्ध योग दिन कल है वो आज दिन भर नहीं है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। तो फिर हम चलते हैं माँ जी। राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ दादी माँ, बिरजू ने बताया कि हम लोग वृंदावन नहीं जा रहे? हाँ बेटा, तेरे ससुर जी ने मना किया है, वो शायद नहीं चाहते कि हम उनकी बेटी से मिले। लेकिन राधा कृष्ण ने तो कुछ और ही सोच रखा है। क्या मतलब? बेटा पंडित जी बता रहे थे कि हम अपनी छोटी बहू को राधा रानी की मेहंदी आज नहीं कल दें, क्योंकि कल शुभ मुहूर्त है, इसीलिए हम कल जाएंगे। मैं तेरे ससुर जी को फोन करके कह देती हूँ कि हम कल जाएंगे। पर दादी मां, अगर हम बाबूजी को ना बताएं और ऐसे ही चले जाएं तो? अच्छा, अपने ससुर को सरप्राइज देना चाहता है, चलो ये भी ठीक है। कल हम पहुंच जाएंगे शास्त्री जी के घर बिना बताए। अरे भाई, हम शास्त्री जी की बेटी से थोड़ी ना मिलने जा रहे हैं, हम तो अपनी छोटी बहू से मिलने जा रहे हैं। देवकी जी, तनिक बैठिए। जी कहिए। देवकी जी, आपने अतिथि को बता दिया है?
कि उसे राधिका के विवाह शुभ कार्यों से दूर रहना? जी वो मैं नहीं चाहता देवकी जी कि राधिका के सुख में भविष्य पर उस अतिथि की छाया भी पड़े। पर राधिका ने तो खुद ही आपको राधिका को मनाना होगा। मैंने अतिथि मानकर उसे घर में रहने दिया, यही अपने आप में एक बड़ा निर्णय था। परंतु आगे भी यदि मेरी बात रखी जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे एक अखंड पाठ के लिए वो रहना जाना था, परंतु अब विचार कर रहा हूं कि यजमान से मुझे क्षमा मांगनी होगी। ऐसी परिस्थिति में घर से दूर रहना अब उचित नहीं। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं जी। पुरोहित परिवार से तो आपने आने के लिए मना कर ही दिया है, बस थोड़े ही दिन तो और संभालना है। राधिका, ये म्यूजिक सिस्टम का क्या किया है? हाँ? अरे गाने बजाने का क्या इंतजाम है? वो काकी जी और बिमला नानी ढोलक और मंजीरे पर। अरे नहीं नहीं नहीं, उनके रहते तो सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। हाँ तो फिक्र मत कर, मैं अपने ड्राइवर से कह देती हूँ कि गाड़ी में से डेक निकाल के स्पीकर के साथ यहाँ फिट कर देगा, ठीक है? और सीडीज तो मैं लेकर ही आई हूँ अपने साथ। देखना राधिका, तेरी शादी में तो मैं ऐसा डांस करूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। वैसे मैं सोच रही थी लिस्ट में और क्या क्या लिखूं। सूची बना रही हो बिटिया? अरे माँ आप? हाँ सूची बना रही थी, आइए ना। बिटिया दूध? अरे माँ ये दूध छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। ये क्या क्या है? राधिका दूध। माँ थोड़ी देर बाद पीलूंगी। अरे हाँ माँ, मैं ये सोच रही थी ये जो म्यूजिक का प्रोग्राम है ना, वो मैं बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ। बस आप ना बाबूजी को संभाल लेना, पता चला एंड मोमेंट पे इनकार कर दिया ना तो मुश्किल हो जाएगी माँ। बिटिया विवाह के उत्सव को अच्छा बनाने के लिए तू जो भी करना चाहती है कर, तेरे बाबूजी बुरा नहीं मानेंगे। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बिटिया एक बात का ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे इस विवाह में अड़चने आए, मुश्किलें बढ़े। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ मैं सब समझ गई, आप परेशान बिल्कुल मत हो। उसके लिए शगुन की मेहंदी लेकर जाने के लिए थाल सजाए जा रहे। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशियाँ ज्यादा मायने रखती हैं। आपके बेटे को खुशी तो आपकी पहले वाली छोटी बहू भी दे सकती थी। वो बात और है कि आपके बेटे ने उसकी कद्र नहीं की और वो परेशान होकर इस घर से चले गए। आप लोगों ने बेचारी विशाखा को एक मौका तक नहीं दिया। सीधे उसके पति की शादी किसी और से कराने का फैसला कर डाला। क्या मौका देते हम विशाखा को? अरे वो तो हमें छोड़कर चली गई, मना कर दिया वापस आने से, तोड़ दिया इस रिश्ते को, जिसकी वजह से उसके बाबूजी ने उसका तर्पण तक कर दिया। सोचती हूँ आज अगर विशाखा यहाँ होती तो शायद अपने बेटे को मनाने की कोशिश भी करती, लेकिन कहाँ, वो तो चली गई न जाने कहाँ। सुन तू अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। क्यों माँ? अरे पुरोहित परिवार आया है, तुझे उनके सामने नहीं आना है बिटिया। आने दो ना, अरे मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है। हाँ बिटिया मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कोई काम मत करना जिससे परेशानियाँ और बढ़े। तेरे बाबूजी इसी बात से डर रहे थे। बिटिया तू नहीं जानती, अगर तू उन लोगों के सामने आ गई ना तो विशाखा
तू यहाँ राधिका की खुशियों के लिए आई है ना बिटिया, तो राधिका की खुशियों के लिए ही सही, बाहर मत आना, अंदर ही रुकना। हाँ बिटिया, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। हाँ राधे राधे, चौंका दिया ना अचानक आके। वो क्या है, पंडित जी ने कहा आज का दिन शुभ है, तो हम राधा रानी की मेहंदी लेकर आ गए राधिका के लिए। पहले सोचा था फोन कर लेंगे, फिर कहा अपनों के यहीं तो जा रहे हैं, क्यों फोन करें। शास्त्री जी दिखाई नहीं दे रहे जी, वो विशाखा। राधिका के बाबूजी मुरैना तक गए हैं एक अखंड पाठ के लिए, अगर उन्हें पता होता कि आप लोग आने वाले हैं तो वो बिल्कुल नहीं जाते। फिर तो हमारा यूं अचानक आना गलत हो गया, फोन करके आना चाहिए था, है ना देव। हाँ राधिका, मैं आप लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। भैया, आपकी निगाहें जिन्हें ढूंढ रही है ना, वो आपको देखकर अंदर चली गई है। तुझे क्या लगता है परचू, मैं यहाँ बैठ के ढोल सुनूंगा? मैं भी अंदर जा रहा हूँ। ये सब क्या कर रही है? ओहो चुपचाप बैठ, मुझे तुझे तैयार तो करने देना। लेकिन क्यों? ओहो राधिका, तेरे ससुराल वाले ऐसे तो आए नहीं होंगे यहाँ पे, जरूर कोई ना कोई रस्म होगी। राधिका, मैं चाहती हूँ जब तू इस कमरे से बाहर जाए ना, तू इतनी सुंदर लगे, इतनी सुंदर लगे कि सबकी नजर तुझ पे टिकी रहे। तो बस मुझे तैयार करने दे, चुपचाप बैठना। हो गया तेरा मेकअप, अब देख देख तो कैसी लग रही। देख तो कितनी सुंदर लग रही है। भाई तेरा मेकअप करते करते तो मेरे पसीने छूट गए और मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। ऐसा करती हूँ, चुपचाप से किचन में जाती हूँ, पानी पीकर आ जाती हूँ। और हाँ, बाहर जाके ये भी देख लूंगी कि रस्में शुरू होने में कितना वक्त बाकी है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अरे विशाखा सुन, मैं लेकर आती हूँ ना, माँ ने मना किया है ना। राधिका, प्लीज कहीं जाना मत, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया, सबके सामने कह भी पाऊंगा, इसलिए तुम्हें यही जवाब देना होगा। मैंने हनीमून के लिए केरला जाने का प्लान फिक्स किया है, राधिका मेरे लिए तुम्हारे मुंह से तुम्हारी हाँ सुनना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ एक बार मुड़कर तो देखो, मैं तुम्हें देखते ही समझ जाऊंगा तुम्हारा जवाब हाँ है या ना। बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम। मुबारक हो आपको, शादी के बाद केरला जाने का प्रोग्राम बन रहा है, मुझसे तो आज तक पूछा ही नहीं। फिर कोई बात, तब नहीं पूछा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आज तो आपने मुझसे ही पूछा है और मेरा जवाब है हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई, अब तो मुझे पूरा हक है आपके और राधिका के बीच में आने का। ताली जो हूँ आपकी।
तुम्हारी जिंदगी में फिर से आने की हिम्मत कैसे हुई? नाना, मैं आपकी जिंदगी में वापस थोड़े आई हूँ भाई। मैं तो यहाँ ब्रिजमोहन शास्त्री जी की बेटी बनके और राधिका की बहन बनकर आई हूँ, और इन दोनों ने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। क्यों है ना राधिका? क्यों राधिका, मुझे परमिशन मिल गई है ना? इसे कह दो राधिका, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ओहो, अच्छा ठीक है राधिका, मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ और बाहर नहीं आऊंगी। लेकिन देख, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जिस दिन आप बारात लेके इस घर में आएंगे ना, उस दिन आपको मेरी ही शक्ल देखनी पड़ेगी। क्या यहाँ कहाँ बैठी है, बाहर कहाँ ना आ रहे? नहीं अम्मा, आप जानती नहीं है, माँ बाबूजी ने मुझे पुरोहित परिवार के सामने आने के लिए मना किया। तो का सारा वक्त मुंह छिपाए यहाँ ही बैठी रहेगी? देख बिटिया, लल्ला बाहर गयो है, बहुरिया हम समझा देंगे। नहीं अम्मा, माँ बाबूजी ने कुछ सोचकर ही मुझे यहाँ रोका होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशानी हो। और फिर अभी देव ने भी मुझे यहाँ देख लिया था, जानते हैं आप कितना नाराज हुए थे वो। अब मैं नहीं चाहती कि कोई परेशानी खड़ी हो जाए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। कछु तो करेगा चाहिए ताकि पुरोहित परिवार विशाखा को देख ले और ये मनहूस राधिका का ब्याह टल जावे। विशाखा, ये दरवाजा, आओ आओ बैठो अपनी बहन का पहरेदार बनके। अगर उससे भी मन ना भरे ना, तो कुंडी लगाई लो और ऊपर ताला भी लगाई लो, ठीक है ना? राधिका, क्या हुआ? देव बहुत नाराज थे। राधिका, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि देव इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। देखो, मैं यहाँ कोई परेशानी पैदा करना नहीं चाहती। अच्छा ये बताओ कि अब देव क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, मैं उनसे बात करती हूँ। मैं विशाखा के बारे में आपसे बात करने आई। विशाखा के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं, उसे यहाँ से जाना होगा बस। ऐसा मत कहिए, वो इस घर की बेटी है, माँ बाबूजी से उनकी बेटी को कैसे दूर रख सकती हूँ? जिस परिवार ने मुझे इतना कुछ दिया, उस परिवार के लिए। और मेरे परिवार के बारे में तुमने नहीं सोचा? तुमने ये नहीं सोचा कि उन लोगों के पर क्या बीतेगी जब वो विशाखा को यहाँ देखे? कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उन्हें जब उनका और विशाखा का सामना हो। मत बताइए ना उन्हें विशाखा के बारे में। हाँ, मत बताइए उन्हें विशाखा के बारे में। मैं भी कोशिश करूंगी कि विशाखा उनके सामने ना आए। राधिका जी, मेरी तरफ देखो, तुम्हें सब कुछ उसके लिए कर रही हो जिसने तुम्हें कितनी बार दुख दिए। राधिका के लिए कुछ नए कपड़े बनवाए थे चढ़ावे के लिए, जरा उसे पहना के देख लो। भौरिया, तू कहाँ जा रही है? इनकी बड़ी बहू है ना, वो जाके दे आवेगी राधिका को। कहा है आपकी बड़ी बहू को भी तो जेठानी बनवे का मौका देवे का चाहिए ना। अब इतने लाड़ से लाई है कपड़े बहू के लिए, तो जेठानी आने वाली देवरानी को देगी तो और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मृणालिन बेटा, जाओ तुम, ये राधिका को दे। एक्सक्यूज मी दादी माँ, पर मैं क्यों? बेटा, रस्मों में शामिल होने का मतलब सिर्फ सज धज के बैठना नहीं है।
दादी मुझे दीजिए ना। अरे नहीं नहीं चली जाएगी, जाओगी ना जी? जरूर। भाभी आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? माँ जी दे आएंगे ना। दादी क्या बात है, आज अपनी भाभी का ख्याल रखने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, हाँ भाभी आप मेरे लिए यहाँ तक आई हैं वही बहुत। प्रिनालिनी जाओ तुम ही दे आ। छोटा शहर और छोटे शहर की छोटी मेंटालिटी। अरे भाई दे तो दिया है देव को मैंने तलाक, अब मुझे देव और पुरोहित परिवार से कोई मतलब नहीं, तो सामने ना आने का नाटक क्यों? देखा मेरी लाइफ में तो एक फिल्म बन सकती है। विशाखा ये कोई मजाक नहीं है। तो मैं भी कौन सा मजाक कर रही हूँ? अच्छा जरा तू सोच, एक लड़की जिसके सपनों की कद्र कभी किसी ने नहीं की, उसे जबरदस्ती एक घर में बहू बना के रख दिया जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से भाग जाती है, और फिर अचानक से एक दिन वो वापस घर में आती है, उसी घर में उसका होता है अपमान। राधिका देख मैं तो तेरी शादी की खुशियां मनाने आई थी, अगर मेरे आने से कोई दिक्कत हो रही है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कपड़े बहुत एक्सपेंसिव महंगे हैं, ऑब्वियसली होंगे हमने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बनवाए हैं। तुम देख रहे हो ना तुम्हारा नाप के हैं या नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि इतने महंगे कपड़ों को हाथ लगाना भी नसीब होगा। सच किस्मत भी कैसे पलटती है कोई नहीं जानता। अब इसे ही देख, कभी सोचा था कि मुझे आना पड़े तुम्हें कपड़े देने के लिए? जी मैं पहन लूंगी। As if I care. Please. ये मृणालिनी कभी नहीं सुधरेगी, खुद को समझती क्या है? मेरी बहन को स्टैंडर्ड सिखाने चली है। देख राधिका मैं तेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आऊंगी ना जो उस मृणालिनी ने कभी देखे तक नहीं होंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।